हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम टू अवर टेक्निकल क्लास। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी M31S के मोबाइल में कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, कुछ बहुत ही कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं 20,000 के अंडर में। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी M31 तो काफ़ी अच्छा मोबाइल था ही, जो कि 15,000 के अंडर में आया था। खैर, उसका जो टॉप वेरियंट है वो 15,000 से ऊपर का ही है, और उसका टॉप वेरियंट 17,500 रुपीज़ का है। अमेजोन में वो थोड़ा आपको सस्ता मिल जाता है। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी कि जो एम सीरीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है आजकल, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है एम सीरीज़ को। तो M31 भी काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ, M30S भी काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ, अब आ चुका है M31S। खैर, अभी आया नहीं है, आने वाला है। सो गाइस, M31S आने वाला है 30 अगस्त को, यानी जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो सैमसंग गैलेक्सी M31S आ चुका है, तो काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है और उसके बहुत सारे फीचर्स होने वाले हैं। तो सारे फीचर्स को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको उन सारे फीचर्स के बारे में पता चल जाएंगे। ट्रस्ट मी, बहुत कमाल का फ़ोन है। ऐसे एक ऐसा फीचर है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में आपको फ़ीचर मिलते हैं, बट इसमें भी आपको वो फीचर है, 20,000 के मोबाइल में आपको वो फीचर मिल रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस रेड कलर के बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। एंड गाइज, कल की जो हमारी वीडियो थी वो थोड़ी सी लेट आई थी बिकॉज ऑफ सम इशूज़। तो कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो थोड़ी सी लेट अपलोड कर पाया था, बाकी वीडियो कल भी अपलोड हुई थी। जो हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें लग रहा होगा कि कल वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, बट कल वीडियो अपलोड मैंने की थी, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, अब मैं आपको इस मोबाइल के सारे फीचर्स बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने लिए डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए ये फ़ोन वर्थ है या नहीं। तो फटाफट से मैं इसके सारे स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स आपके सामने रख देता हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसकी लॉन्च डेट July 30, 2020 है। देन इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है ऑक्टा कोर 2.3 GHz क्वाड कोर प्लस 1.7 GHz क्वाड कोर, इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया है। देन इसमें आपको 4 कैमराज मिल जाते हैं, 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल क्वाड प्राइमरी कैमराज इसमें आपको मिल जाते हैं रियर में। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं इसमें मेगापिक्सल्स तो काफ़ी बढ़िया है ही, साथ में इसका सेंसर भी बेहतरीन है, बढ़िया है। एंड गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैमरा में एक और बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स में आता है, वो है स्नैप फोटो। सो गाइस, ये बहुत ही कमाल का जो है फीचर है। आप एक फ़ोटो क्लिक करेंगे अगर इस ऑप्शन में, तो वहाँ पर बहुत सारे आउटपुट वो आपको देगा, मतलब आप एक फ़ोटो क्लिक करेंगे देन आपको 20 से 25 आउटपुट देगा। उसके बाद गाइस, आप उसमें से एक बेस्ट आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब 20-25 फ़ोटो निकाल कर वो आपको दे देगा एक बार में, उसके बाद आपको उसमें से एक बेस्ट आउटपुट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही कमाल का फीचर यहाँ पर आपको इस फ़ोन में मिल रहा है under 20,000, यानी 20,000 के अंदर में आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो कैमरा इसके काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्टवेयर भी काफ़ी बढ़िया है कैमरा का, हार्डवेयर तो काफ़ी बढ़िया है ही। तो फ्रंट कैमरा की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात कर लें तो इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ में इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, Type-C USB पोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगी। एंड गाइस, साथ में मैं आपको बता दूं इसमें भी सैमसंग ने एक हैशटैग इस्तेमाल किया है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सैमसंग गैलेक्सी M31 में हैशटैग मेगा मॉन्स्टर का हैशटैग वहां पर यूज़ हुआ था। तो सैमसंग गैलेक्सी M31 को बोलते हैं हैशटैग मेगा मॉन्स्टर। एंड इसका मैं आपको बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी M31S का यहां पर सैमसंग ने निकाला है हैशटैग मॉन्स्टर शॉट, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड गाइस, मैं आपको इसके और फीचर्स बता देता हूँ, लाइक डिस्प्ले हो गई और भी कुछ बारीक बारीक फीचर, रेजोल्यूशन वगैरह वगैरह। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको इसके डिस्प्ले के बारे में बता देता हूँ, तो इसमें आपको 6.5 इंच की सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाती है 407 PPI पिक्सल डेंसिटी के साथ, जो कि बहुत ही कमाल की है। साथ में इस नेक्स्ट फीचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, तो इसमें नेक्स्ट फीचर मिल जाता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन खैर आपको सभी मोबाइल मिल जाता है, तो इसका रेजोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर आपको 1080x2400 pixels का रेजोल्यूशन इसमें मिल जाता है। 6 GB RAM 128 GB ROM आपको इसमें मिल जाती है। ये थे इसके कुछ की स्पेसिफिकेशंस, तो ये काफ़ी सारे इसमें फीचर्स आपको मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया सा फ़ोन है ये, और प्राइस भी इसके काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मेरे हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी वर्थ है। अगर आपका बजट
20,000 के अंडर में है तो आपको यही फ़ोन परचेज करना चाहिए। बहुत कमाल का फ़ोन है, मेरे हिसाब से वर्थ है अगर आपका बजट 20,000 के अंडर में है। इसके प्राइस की बात की जाए तो इसके स्टार्टिंग प्राइस हैं 16,999, मतलब 16,999। तो ये हैं इसके स्टार्टिंग प्राइस। 6 GB रैम, 128 GB रोम, जिसमें आपको 4 कैमराज मिल रहे हैं अच्छे सेंसर्स के साथ, काफ़ी बढ़िया सा आपको इसमें सॉफ्टवेयर फीचर मिल रहा है। देन आपको इसमें 6,000 mAh की बैटरी मिल रही है, तो काफ़ी कुछ आपको इस फ़ोन में यहाँ पर मिल रहा है। एंड गाइस, मैं आपको इसके कलर ऑप्शंस भी बता देता हूँ। तो इसमें आपको 2 कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2 कलर आपको इस फ़ोन में मिल जाएंगे, एक है माइरिस ब्लैक एंड एक है माइरिस ब्लू। तो काफ़ी अच्छे कलर आपको मिल जाएंगे, आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है ये। साथ में आपको इसमें एक और जो इसका टॉप वेरिएंट है वो भी अवेलेबल है, जो कि 8 GB रैम, 128 GB रोम का है। अगर आपको रैम ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पर वो भी अवेलेबल है, तो फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, वी मिस यू इन अनदर वीडियो।